वेल गाइस, कंगो मूवी जिस तरीके का हाइप लेकर आई थी वैसा तो बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी कलेक्शन नहीं कर पाई। अगर मूवी के हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अपने ओपनिंग डे पर इस मूवी ने इंडिया भर से 24 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वही मेकर्स की माने तो मेकर्स का जो पोस्टर या फर्स्ट डे का वो 58.62 करोड़ का था। जी हाँ गाइज, 58,62,00,000 का मूवी ने अपना फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया अकॉर्डिंग टू मेकर्स। सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करें तो गाइज 10 करोड़ का सेकेंड डे कलेक्शन किया। और आज के हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आज मूवी समथिंग इंडिया भर से कुछ नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15-16 करोड़ की रेंज में करेगी। और इस तरीके से जो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 3 दिनों का 50 करोड़ का हो जाएगा। इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हुई थी कि गाइस ओवरसीज जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी रिपोर्ट्स आ नहीं रही है तो हम बता भी नहीं सकते। मेकर्स आज पोस्टर देंगे सेकेंड डे का, तो वो देखते हैं कितने का देता है। लेकिन गाइस एक्सपेक्टेशन है कि 100 करोड़ तो मेकर्स पहुंचा ही देंगे। लेकिन गाइस अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कंगो मूवी अपने बजट को क्रॉस करके हिट का टेक ले पाएगी, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि गाइस जिस तरीके का इस मूवी का कलेक्शन आया है और जिस तरीके से ये मूवी निकल कर आई है, मिक्स रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं, जिससे कलेक्शन पर काफी असर पड़ा है। जहां मूवी का बजट 300 करोड़ है गाइस, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल गाइस, लॉर्ड बॉबी भी मिलकर इस मूवी को नहीं बचा पा रहे हैं। जहां मेकर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 1,000-2,000 करोड़ ये मूवी कमाएंगे, लेकिन गाइस अब लग नहीं रहा है। सूर्या की तो सभी ने तारीफ की है, लेकिन जिसको गालियां पड़ रही है वो डायरेक्टर शिवा है। क्योंकि गाइस उनका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो काफी ज्यादा वाहियात है। वेल गाइस, कंगो मूवी के लिए अब हम क्या बोल सकते हैं? आपने देखा तो आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी अपने लाइफ टाइम में 300-350 करोड़ तक कलेक्शन कर पाएगी वर्ल्ड वाइड और अपने बजट तक पहुंच पाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।